आज मेरा बिलीव है कि जब आप ये वचन सुन रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम कर रहा होगा, आपके रास्तों को वो खोल रहा होगा, और जो आपको शायद अभी नहीं दिखेगा, आपको शायद अभी वो महसूस नहीं होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको ये वचन देने का मकसद यही है। क्योंकि मैं आप 20 साल से परमेश्वर में हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है कि परमेश्वर जब इस तरह का वचन देता है तो वो लोगों की लाइफ में क्या कर रहा होता है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और बिहाइंड द सीन आत्मिक रीति से मैं देख पाता हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कर रहा होता है और वो क्या करना चाहता है। तो मेरा ये बिलीव है जब आप ये वचन सुनेंगे, आपको ये समझ आएगा कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है और आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और फिर आप अपने टेस्टिमनी के करीब होंगे, और फिर आप परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है आप उसे पा पाएंगे। बहुतों को लगता है कि टेस्टिमनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आत्मिक बातें परमेश्वर ने करनी होती तो वो लोगों को चंगा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? कि मन फिराओगे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। आप कई बार देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है, चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते हैं, लेकिन उसका जब करैक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीजों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। अगर चमत्कार बुरे होते, हीलिंग्स बुरी होती, तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को हीलिंग करने की पावर नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, जाओ और उनके कोढ़ियों को जिलाओ। परमेश्वर ने कहा और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। तो जब परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे, तो परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह दिखाने की, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस की पावर मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो अगर ये जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी देते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, उसने एक समय में परमेश्वर का मसा लिया, लेकिन बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अब मसा परमेश्वर ने छीना नहीं है, शैतान पर गिरा दिया गया धरती के ऊपर, लेकिन शैतान से मसा नहीं छीना गया, आज भी अनॉइंटिंग शैतान के पास है। इसलिए जब आप कोई शैतानी सॉन्ग लगाते हैं आपको मसा फील होता है, अनॉइंटिंग फील होती है। जब आप परमेश्वर का सॉन्ग सुनते हैं तब भी आपको मसा फील होता है, लेकिन वो मसा शैतानी है और ये मसा परमेश्वर का है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने शैतान से मसे को वापस नहीं लिया। उसी तरह से जब एक पास्टर बिगड़ जाता है तो परमेश्वर अपने वरदानों को उससे वापस नहीं लेता, लेकिन उसे अंत के दिनों के लिए, वो नरक के लिए तैयार करता है, और उसकी सारी मेहनत जो उसने धरती पे की है उसे एक दिन वो मिट्टी कर देता है। मैंने इसे देखा है, और उसे बहुत से श्रापों का, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तकलीफें जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती और जो ग्रो करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में एंटर की होती है। तो जब भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो जस्ट एक किसी हीलिंग मिनिस्ट्री को देखते हैं और उस पास्टर के करैक्टर को देखते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे प्रचार करना शुरू कर देते हैं चमत्कारिक, ये पास्टर से बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीसस ने हमें फुल गॉस्पल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पल प्रचार हो रही है कि गॉस्पल तो सिर तो है लेकिन हाथ और पाँव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है लेकिन हाथ पाँव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पल का प्रचार किया जा रहा है। कहीं हीलिंग का ही प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, सालवेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी जब हम हमारी चर्च में लोग आते हैं हील हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहाँ खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है।
लोग जो बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा है, वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है उस तरह से प्रीच करना जरूरी है ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा खामरा में हीलिंग होती सबको पता है, लंगड़े चलते अंधे देखते सबको पता है, कैंसर जा रहे सबको पता है, लेकिन वहां प्रीच होता है ये भी सबको पता है, वो विश्वास पे खड़े हैं ये भी सबको पता है। अगर कोई चंगा नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा हुआ है क्योंकि उसको वचन दिया गया है कि एक ना एक दिन इस रीति के साथ परमेश्वर तेरा काम करेगा। तो आज जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको एक मेगा चर्च, अगर आपको एक बेदारी या आपको मेगा चर्च का शौक नहीं, अगर आपको बेदारी फैलाने का शौक है, आपको परमेश्वर का काम करने का शौक है, तो आपको फुल गॉस्पल देना पड़ेगा। आपको हाफ गॉस्पल से नहीं चलेगा। आपने प्रार्थना की और लोग चंगे नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हीलिंग बुरी है और आप हीलिंग का विरोध करना शुरू कर दें। जिनके द्वारा परमेश्वर कर रहा है उनको अप्रिशिएट करें। हालेलुया। तो ये हमें बात समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो हमें, उसने फुल गॉस्पल दी है। उसने ये नहीं कहा सिर्फ प्रचार करो, उसने ये भी नहीं कहा सिर्फ चंगा करो, उसने कहा जाओ और लोगों को बताओ कि मन फिराओ, कि अपने माइंड को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। मन फिराने का मतलब है अलग तरीके से सोचना। जैसे आप जब जाते हैं, आप जैसे हिंदू को बोलते हैं, सिख को बोलते हैं कि आपको परमेश्वर को मानना है, मन फिराइए। क्यों? क्योंकि उनका उनका मन क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं कई लोग कि नहीं हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं जैनी हूं, मैं ये हूं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीसस ने कहा मन फिराओ, यानी अलग तरीके से सोचना शुरू करो कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं किसी नए धर्म को बनाने के लिए तो आया नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने एक भी बार ईसाई धर्म के बारे में बात नहीं की है, जबकि परमेश्वर के वचन में जिसको कितने लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है, कहीं भी ईसाई धर्म का पूरी बाइबल में जिक्र नहीं है। उसमें क्या जिक्र है? कि परमेश्वर तुम्हें जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहता है, तुम्हारे खालीपन को भरना चाहता है, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हें संसार के कलेशों से आजाद करना चाहता है, तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता है, यहां का भी वहां का भी। तुम्हें अपने सोच को बदलने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। अब तुम्हें अलग तरीके के साथ सोचना होगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं चर्च में बपतिस्मा कैसे लूं, मैंने तो ये एक एक जगह का नाम लिया हुआ है। क्यों मिला नाम आपको? ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। आपने नाम लिया ताकि आप परमेश्वर के पास जा सकें। और जब आपके सामने परमेश्वर साक्षात रूप में खड़ा होता है बाइबल के रूप में कि मैं परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं मार्ग जीवन सच्चाई हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, सब तो वो कह रहा है। तो जो तुमने, जो कुछ तुमने लिया था, अब तुम परमेश्वर के सामने पहुंच गए हो। ये तो वो बात हो गई कि नौवीं पास करने के बाद बंदा बोले कि नहीं जी मुझे टीचर से बहुत प्यार है, मैं दसवीं में नहीं जाना चाहता, मुझे दसवीं में नहीं जाना, मुझे टीचर से बहुत प्यार है। जब आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम हो गया, जब आप सच्चे परमेश्वर ने अपना आप पे जाहिर कर दिया, अब आगे बढ़े। जब आप बपतिस्मा लेते हैं कोई आपको शब्द नहीं देता, मैं आपको शब्द नहीं देता कि यार आप ये दो शब्द बोला करें। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट शब्द देता है, क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी अलग है, आप सबका टारगेट अलग है, प्लान अलग है, मेरा अलग है, तो जो है ही अलग अलग हैं, एक ही गोली कैसे किसी पे काम करेगी? तो परमेश्वर हर एक को अलग अलग गोलियां देता है। वो गैर भाषा, वो नाम शब्द जो स्वर्गीय आता है आपके ऊपर, हर एक का अलग अलग है। मेरा अलग है, मेरे बच्चों का अलग है, मेरी वाइफ का अलग है, आपका अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है, इंसान की ओर से नहीं आया। तो जब परमेश्वर की ओर से आया है तो क्यों नहीं हम अपने हाथों को खोलते? क्यों हम मूर्ख बने बैठे हैं? क्यों नहीं हाथों को खोलते और उसको जप्फी डाल लेते हम, उसको इम्ब्रेस करें, उसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वही परमेश्वर आपके ऊपर अपना आप जाहिर कर रहा है। हालेलुया। जब आप फुल गॉस्पल सुनते हैं, पूरा सुसमाचार सुनते हैं, वहां पर मानसिक रूप की हीलिंग भी है,
वहां से इमोशनल हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वहां पर स्वर्गीय जीवन है, शांति का जीवन है, बाद का जीवन है, अब का जीवन है, वो सब तरफ काम करता है। सालवेशन सिर्फ शरीर की नहीं या आत्मा की नहीं है, वो फाइनेंस की भी है, वो देश की भी है, वो सब तरफ की है। जब वो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो सब तरफ करता है। जब आपका बाप, आपकी माँ आपकी आपको बढ़ाती है, आपको ग्रो करती है, आपको पालती है, क्या वो सिर्फ आपके कपड़े देखती है? क्या आपको खाना नहीं देती? या सिर्फ आपको कपड़े और खाना देती है, आपका स्कूल नहीं देखती? वो भी वो देखती है। क्या वो आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखती? वो भी वो देखती है। आप कहीं ठोकर ना खा जाएं, आपका वो ध्यान रखती है, बेटा यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो भी वो देखती है। एक माँ, एक बाप बुरे होकर भी अपने बच्चे की जिंदगी की हर पहलू को छू लेते हैं, तो वो परमेश्वर जो सबसे अच्छा है, वो आपकी जिंदगी का हर एक पहलू नहीं छुएगा? क्या वो आपकी जिंदगी की हर एक डायरेक्शन नहीं छुएगा? वो छुएगा। जस्ट उसको टाइम दीजिए, उसमें अपना आप समर्पण कर दीजिए। देखिए वो आपकी शादी के बारे में भी कैसे सोचेगा, आपके बच्चों के बारे में कैसे सोचेगा, आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपके इमोशनल हीलिंग के बारे में, आपके मानसिक शारीरिक हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि आप उसके विषय में एक तो परमेश्वर से बात भी करें, दूसरा परमेश्वर भी इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि एक मां, एक बाप अगर ये संसारिक होके भी बाहर वो नशा बेचते हो, लेकिन घर आकर बच्चों की कैसे पालन पोषण करते हैं? तो अगर वो बुरे होकर अपने बच्चों की हर एक चीज को छू सकते हैं, तो बाप जो अच्छा है, आसमानी है, सबसे अच्छा है, वो आपकी क्या हर एक चीज को नहीं छुएगा? उसको हर एक चीज का पता है। जो चीजें आपके लिए छोटी से छोटी भी हैं, उसको उन चीजों के बारे में भी मालूम है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर कई तरह के इमोशनल डिस्टर्बेंस से इंसान होकर गुजरता है, मेरी लाइफ की ये टेस्टिमनी है, मैं जानता हूं। आप वो कैसी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, वो पर्सनल लाइफ की हो, वो इमोशनल लाइफ की हो, आप परमेश्वर को अपना जीवन देके देखें और प्रार्थना में अपना जीवन बिताना शुरू करें। आप देखें किस तरह से परमेश्वर आपको इमोशनली रूप से भी हील करता है, किस तरह से वो आपको हर एक तरीके के साथ आपको चंगा करता है। आपकी फैमिली में वो हीलिंग को कैसे लेके आता है, रिलेशनशिप्स में कैसे हीलिंग को लेके आता है। हालेलुया, ऊंची आवाज में जरा हालेलुया बोलो। अब मरकुस 4 उसकी 35 से 41 आयत और मरकुस 5 ये पूरा अध्याय है 1 से लेके 43 आयत तक। आज जो आत्मा में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आप इस बात को समझें कि बाइबल को मैंने कभी भी प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ा है। इस हफ्ते परमेश्वर के एक दास हैं, साउथ से वो आए थे, रेवरेंड पॉल तांगिया उनका नाम है। वो जब आए और मुझसे बात हुई, हम मिले, तो उन्होंने मिनिस्ट्री को देखा और हैरान हुए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है साउथ में और वो यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, इसलिए वो मिलने के लिए आए एक दिन। तो वो देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने एक बड़ा चर्च खड़ा किया है, ह्यूज चर्च खड़ा किया, और सब चीज़ों को वो उन्होंने देखा, प्रार्थना की और हैरान भी हुए और खुदावंद की तारीफ भी की कि परमेश्वर ने किस तरह पंजाब में बेदारी को लाया है। उन्होंने कहा मैंने भी बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैं जब भी आता था पंजाब में, मैं प्रार्थना करता खुदावंद बेदारी को लेके आ। तो परमेश्वर, आप नहीं जानते किन किन की प्रार्थनाएं होती हैं। आप आज जब यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, आप नहीं जानते ये कब फलेगी, लेकिन ये फलेगी, ये वेस्ट नहीं होगी। आपको सिर्फ परमेश्वर में खड़े रहना होगा। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता कि मुझे प्रीच करना है। कई बार मेरी फैमिली, मेरे लोग हैरान होते, कहते नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत तैयारी करके जाते हो ये वचन आसानी से नहीं बन सकता जो आप सुना रहे हो। मैं उनको बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता मुझे प्रीच करना है संडे थर्सडे। मैं अपनी रोज बाइबल पढ़ता हूं,
अगर मैं दो टाइम तीन टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, अगर मैं तीन टाइम गया हूं तो दो टाइम मैं बाइबल पढ़ता हूं, और बाइबल मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, बाइबल को बीच से भी पढ़ता हूं और बाइबल को पुराने नियम से भी पढ़ता हूं। तो मैं इस तरह से पढ़ता हूं कि मैं किसी भी नियम से डिसकनेक्टेड ना हो जाऊं। कई बार हम नया नियम पढ़ते हैं तो पुराना भूल ही जाते हैं, जब 50-100 दिन बाद पुराना खोला तो हैं ऐसे आता दिमाग में। तो मैंने कहा मुझे ये करना नहीं है, तो मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, पुराना नियम भी पढ़ता हूं, और बाइबल के बीच से भजन संहिता से लेके अगली जो जितने भी अध्याय हैं और जितने भी पुस्तकें हैं मैं उनको भी पढ़ता हूं, ताकि मैं सबके साथ फिर कनेक्टेड रहता हूं। पुराना नया सब मेरे पास दिमाग में होता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता कि परमेश्वर संडे के लिए क्या करे। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे मालूम हो 8 दिन पहले कि मुझे संडे क्या बोलना है। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं। तो जब आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो मुझे एक बात आत्मा सिखा रहा था कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करने वाला है, उसके लिए एक वचन आपको सुनना पड़ेगा। उस वचन को ध्यान से अभी सुनना। अब मरकुस 4 उसकी 35 में लिखा है, उस दिन जब शाम हुई तो चेलों से उसने कहा, आओ हम पार चलें। वो भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उस नाव पर साथ ले चले, सो उसके साथ और नावें भी थी। बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी, और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? अब यहां पर जब हम इस पद को पढ़ते हैं, हमें कई बार बाइबल पढ़ते वक्त यह भी देखना पड़ता है कि उस अध्याय के आगे क्या है और उस अध्याय के पीछे क्या है, ये बात कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इस बात के बाद क्या हुआ। तो ये एक घटना हुई। घटना क्या थी? हम सबको लगता है मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ, आंधी आई, तूफान आई, यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, चेले डर गए, चेलों ने कहा, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे, उन्होंने आंधी को डांटा और आंधी थम गई, पानी को शांत रहने के लिए बोला, सब ठीक ठाक हो गया, चलो जी खत्म हो गया। लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा कि इसका रीजन क्या था। आगे जब हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा, वो झील के पार गरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव से उतरे तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा सी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहता था, कोई उसे लोहे के संगलों से भी नहीं बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया, परंतु उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उस घटना के बाद आंधी खत्म हुई और यीशु मसीह जहां जाना जाते थे पहुंचे, सभी नाव से उतरे, चेले सब यीशु मसीह उतरे, जैसे वो उतरे एक आदमी पत्थरों को लेकर चिल्लाता हुआ कब्रों से निकला, कब्रें थी तो चिल्लाता निकला, नंगा, बाल बड़े हुए, आप इमेजिन कर सकते हो, अपने आप को घायल किया हुआ डरावना सा आदमी चिल्लाता हुआ आपके सामने आता है। कई बार आपको लगता है कि यीशु मसीह मेरी लाइफ में सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पानी आ रहा है, ये आंधी आ रही है, ये बीमारी आ रही है, क्या यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा? क्या यीशु मसीह को पता नहीं है मेरे पति के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में? क्या यीशु मसीह को पता नहीं मेरे माँ के बारे में, बाप के बारे में? ये आंधी और तूफान आ रही है और यीशु मसीह लिखा पिछले भाग में गद्दी में सो रहे थे। जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं तब आपको समझ आता है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले जहां वो जा रहा है वहां एक शैतान का जखीरा वो है, वो निकलने वाला है, कि वहां पर दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति है जिसने आजाद होना था। अब जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है, आपको ये बात मालूम नहीं होती, चेलों को मालूम नहीं थी, वो यीशु के साथ रह रहे थे, यीशु उनके साथ बैठे थे, तब भी देखो उनकी आंखें ऐसी थी, तब भी उनकी समझ देखो कैसी थी, वो परमेश्वर पे चिल्ला रहे थे, प्रभु तेन चिंता नहीं साड़ी, तेन पता नहीं लगता कि नहीं तूफान आंधी आ गया, तेन पता नहीं लगता नहर पानी अंदर भरा जा रहा है और तू गद्दी के ऊपर सो रहा है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है हम नष्ट हुए जाते हैं? आज भी विश्वासियों का वही हाल है। जब आपकी लाइफ में एक बड़ी डिलीवरेंस होने वाली होती है, शैतान सब चीजों को नहीं देख सकता लेकिन कुछ लाइट उसको दिखती है, कुछ उसको मालूम होता है। इसलिए जब आप नोटिस करते हैं, कई बार आपकी लाइफ में आप चल रहे होते हैं और अचानक एक मुसीबत का आप सामना करते हैं,
अचानक से शैतान आपके खिलाफ हो जाता है, अचानक से कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, कुछ विरोध ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं कि आपको समझ नहीं आती। यीशु मसीह आपके पास भी बैठे हैं, आपको उसकी प्रेजेंस भी पता है कि वो आपके संग है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा, हम नाश हुए जाते हैं। जबकि परमेश्वर को मालूम होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक बड़ा छुटकारा होने वाला है। ये जो हो रहा है ना झोल माल, ये उस छुटकारे से पहले की शैतान की फ्रस्ट्रेशन है। कई बार आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपकी फैमिली में आपका विरोध शुरू हो गया, कई बार आप देखते हैं आपको अजीब सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखते हैं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन आपको नहीं मालूम अगले अध्याय में जो आपकी जिंदगी का अगला अध्याय ओपन होगा वहां एक बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही होगी। और बाइबल कहती है जब वो मनुष्य चंगा हुआ, जब वो मनुष्य वापिस गया, पूरे शहर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ उस बंदे को ना देखो जिससे कुछ हजार दुष्ट आत्मा निकली और वो चंगा हो गया, और जब कपड़े पहनकर यीशु मसीह के पास बैठा तो लोगों ने देखा, वो डर के कहते ये इससे क्या हुआ, ठीक हो गया ये। इमेजिन करो जब वो बंदा अपने शहर वापिस गया होगा, हर एक बंदा उसे जानता था कि ये कब्रों में पागल रहता है, इन कब्रों में मत जाना, उसे संगलों से भी बांधो वो संगल तोड़ देता है, इसे कोई वश में नहीं कर सकता। इमेजिन करो वो जब अपने गांव गया होगा, अपने शहर गया होगा, कितनी रूहों को उसने बचाया होगा। तो जब शैतान आपकी लाइफ में सालवेशंस को देखता है, वो आपकी लाइफ में तूफान को लेके आने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं पता होता कि कल आपकी लाइफ में क्या होगा। जब इस चर्च में 50 लोग थे तो मेरा गोडाउन जला दिया था, वो गोडाउन जहां से 50,000 से लेके 1,00,000 रुपया मैं रोज कमाता था। सेल नहीं, कमाई की बात कर रहा हूं, अर्निंग्स 15 से 20 लाख रुपया एक महीने की कमाई थी उस बिजनेस में जो परमेश्वर ने हमें दिया था। सेवकाई में आने से पहले वो बिजनेस था मेरे पास। तो 2009 में 50 लोग थे, वो बिजनेस को किसी ने आग लगा दी। जब ऑस्ट्रिया में एक रविदासी संत की हत्या कर दी गई थी तो यहां पर उन लोगों ने गोडाउन जला दिया था जो शरारती अंसर थे। तो क्या हुआ, शैतान ने कहा अब दे तू गवाही, बड़ी गवाही देता ना परमेश्वर ने मेरा बिजनेस ब्लेस किया, अब दे तू टेस्टिमनी, मैं देखता हूं। तो अब तू क्या गवाही देगा, अब मैं देखता हूं। तेरे पास एक बिजनेस की गवाही थी, एक नशे की, बिजनेस की गवाही मैंने नष्ट कर दी, अब देखता हूं तू क्या करेगा। अब देखने में वो तूफान लग रहा है, था वो तूफान, उस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, था वो टाइम स्ट्रेसफुल कि आपका लाखों का बिजनेस आपकी आंखों के सामने जल रहा है, आप फोन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड नहीं आ रही, आप मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि मुझे फायर ब्रिगेड बनवा के दो, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, रास्ते में जाम लगे, गाड़ियां जल रही हैं, खतरनाक माहौल हुआ है, लेकिन एक अजीब सी शांति आपके अंदर होती है जब परमेश्वर आपके संग होते हैं। क्या हुआ, उस साल लोग आए और बोले बहुत माड़ा होया पास्टर जी, बहुत माड़ा होया था डकाम, चलो कोई नहीं। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मैंने वचन पे अपने आप को खड़ा किया, उस साल 50 से सीधा 500, अगले साल 2500, अगले साल 5, 10, 20, 40, 80, 160, आज 3.5 के पार पहुंच चुकी चर्च, 3.5 लाख हर हफ्ते वीकली अटेंडेंस है चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। तो उस समय उस तूफान को देख के अंदाजा मत लगाइए कि प्रभु आपके संग है कि नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति चंगा हुआ उसने पूरे शहर को जाके बदल दिया होगा। तो परमेश्वर देख रहे थे और शैतान को भी दिख रहा था कि आने वाले समय में ये लाखों को बचाएगा, इसको अभी अभी तबाह कर दो। तो बहुत से लोग होते जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं होती, वो देखते हैं अच्छा मसीह में आए, इतना बड़ा तूफान आ गया, चलो यार छोड़ो कुछ नहीं है, मैं तो और मुसीबत में फंस गया, मुझे तो और प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो और बीमार हो गया हूं जी। क्योंकि तुम आत्मिक रूप से अंधे हो, अगर तुम आत्मिक रूप से अंधे हो इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि चर्च की संगति करो, संगति करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन रहेंगी, चाहे धीरे धीरे ओपन हो। वो चीनी लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें होती है ना, चाहे धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी फिर, लेकिन हो जाएंगे। चाइना में खुदावंद बड़े काम कर रहा है, तारीफ करो खुदावंद के नाम, हालेलुया। तो वो ओपन हो जाएंगे अगर तुम संगति करोगे, तो अगर तुम लगातार संगति करते रहोगे, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, खुदावंद की संगति करते रहोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगे।
तुम्हें वो मुसीबत भी सामने नजर आएगी, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा दिलासा भी देगा कि आने वाले समय में कुछ बड़ा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस समय अपनी पोजीशन छोड़ दोगे, इमेजिन करो अगर वो नाव चेले वापस मोड़ लेते, कहते छोड़ो यार बहुत तूफान है, चलो जान है तो जहान है, तो वहां ना तो वो चंगा होता, ना तो वो देश फिर बचता जहां वो जिस देश का वो वासी था। वो गए और वहां पे छुटकारा हुआ उस छुटकारे के कारण, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने संग नहीं रहने दिया। यीशु मसीह जो बाप है ना हमारा, वो बेस्ट बिजनेसमैन है। उसने यीशु को बोया और हमको काटा है उसको। तो यीशु मसीह को मालूम था क्यों नहीं रहने दिया उसके साथ, यीशु मसीह को अपने, उसने यीशु मसीह ने उसको अपने साथ क्यों नहीं रहने दिया। यीशु मसीह ने कहा जा अपने नगर में, क्योंकि जब तू नगर में जाएगा ना लोगों की आंखें फट जाएंगी, खुल जाएंगे, तू कैसे हो, ठीक हो गया, तू ज्यादा काम करेगा, तू कम काम नहीं करेगा, लेकिन तुम मेरे कहने पे चल, क्योंकि मैं तेरे में से ज्यादा फ्रूट निकाल सकता हूं। तू मेरे साथ मत रहे, तू अपने नगर में जा और लोगों को बता। और जब वो नगर में गया होगा आपको मालूम होगा क्या हुआ होगा। तो आपको ये स्पिरिचुअल चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत एंटर कर रही है तो उसको मुसीबत की तरह मत देखें। अगर आप क्राइस्ट में हैं, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप रोज प्रार्थना करते हैं और कोई बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, छोटा भी नहीं, तो आप इमेजिन करके देख लें फिर कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। और बाइबल में ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता आया है। आमीन, खड़कने वाला चाहिए जरा।